हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3। बच्चों आज पढ़ने वाले हैं हम ए माइनस बी का, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का 2AB। आज इस फार्मूले की बेस से हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, विशेष ध्यान यहाँ पे ये देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3x-5 का क्या लिखा यहाँ पे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका क्या है, मैक्सिमल है कि नहीं है। तो जैसे ये इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 3x-5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे दो सवाल है, हम दोनों को क्या करेंगे, इसी की बेस से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए पहले क्या लिखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पे देखो यही तो है ए ना, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 3x लिखा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x का क्या लिखेंगे, होल क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। उसके बाद क्या है, प्लस है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद b, ये b है ना, b है तो यहाँ पे b, b की जगह क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5, ठीक है। ये हो गया, ओके। 5 का देखो पावर लगा तो क्या, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या है, माइनस है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस हो गया। उसके बाद क्या लिखे, 2, क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ए ए की जगह यहाँ पे क्या है, 3x है, तो यहाँ पे इंटू, देखो चिन्ह नहीं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इंटू लगा दीजिए, इंडू का चिन्ह लगाया, यानी कि कोई चिन्ह यहाँ पे जब नहीं है तो समझ लेना गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, ए ए की जगह क्या है, 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x। उसके बाद बी है तो गुणा का चिन्ह पहले लगाएंगे, और बी बी की, बी की जगह कितना है, क्या कितना है बेटा, 5, ओके, कितना है, 5 है। हाँ, तो देखेंगे आगे यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है, 3 क्या लिखा, 3x क्या लिखा, होल स्क्वायर, यानी होल पावर लिखा। तो इसको इसको गुणा कैसे करेंगे, हम एक एक लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, होल पावर 2 लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है, क्या लिखा है, 3, ओके। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिख, 3x लिखा है, 2 देखो पावर 2 लगा, तो इससे क्या करेंगे, 2 बार इसको गुणा कर देंगे, ये देखो 3x हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो 5 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 5×5, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस का 2 × क्या है, एक्स, सॉरी 3x है, ये 3x है, इंटू का क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है, इसको विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 3 त्रिकाई कितना, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 1x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, तो क्या हो जाए, बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस लगा देंगे, 5×5 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस का देखो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे 3 नहीं, ठीक है, 2×3 6×5 कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा। यहाँ पे क्या लिखा, x लिखा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, x लिख देंगे, ठीक है। अब इसको देखो कैसे, इसको सॉल्व देखो कैसे, इसको इसको कैसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। इसको जो है लिखेंगे यहाँ पे 9x², उसके बाद क्या है, माइनस का 30x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 30x लिखेंगे। उसके बाद प्लस का क्या है, प्लस का 25 है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, ये वाला, और ये भी सही है, ठीक है ना, दोनों में से कोई, अभी इसको मैंने सही से लिखा है, ठीक है ना।